आइए नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे हमारी बायोलॉजी की क्लास में मैं सभी को स्वागत करता हूं और मैं बेहद निराला सर आप लोग को आज जो क्लास में बताया जा रहा है मैं वह है देखे चैप्टर जय विविधता। नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे बायोलॉजी का सिलेबस देखा होगा तो उसने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है से कोशिका, दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो आपका है टिश्यू जिसको हम लोग उत्तक बोलते हैं और तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता। माने दुनिया में जितना सारा जीव है उन जीवों में देखता है कि भिन्नताएं पाई जाती है तो बहुत सारी बातें उन लोग को हम पहले बता चुके हैं, बताए थे कि दुनिया में जितना भी जीव जंतु होते हैं वह सभी जीव जंतुओं को पांच वर्गों में बांटा था। पहले तो दो वर्ग में बांटते हो जिसमें एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आगे जब बढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक में एक हमने मात्र लाया था मोनेरा, लेकिन यूकैरियोटिक में भी आ गया था दो तरह की बात, एक हो गया था एक कोशिकीय तो दूसरा हो गया था बहुकोशिकीय, यानी इसको मोनोसेल्युलर सेल्युलर कह सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चले आए थे तो पुनः एक कोशिकीय मिलाया था नाम प्रोटिस्टा था, याद होगा। अब प्रोटिस्टा हमने नाम लाए थे, दूसरा जो था बहुकोशिकीय भी नाम हमने लाया तो उसमें हम लोग को लाया एक प्लांटी का एक एनिमिलिया का। तो एनिमल यानी प्राणी जंतु और एनिमल से ही बनता एनिमिलिया, उसी एनिमिलिया में से हमने चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में जितने जंतुएं हैं वह जंतुओं को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं यानी क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आइए सभी विद्यार्थी आप लेके चले हैं टॉपिक का मोलस्का। अब मोलस्का समझिए सभी विद्यार्थी कि ये समझो जंतुओं का एक वर्ग है। तो मोलस्का के अंतर्गत कैसे जंतुओं को आप रखते हैं, तो कहते हैं कि वैसे जंतुएं जिनके शरीर का भीतरी जो भाग होती है वह काफी कोमल होता है, जैसे कि तुमने देखा होगा कुछ इसमें सेलुलर के सब तो नहीं लेकिन घोंघा को देखा होगा कि जब घोंघा को देखते हो तो बाहर में देखता उसकी जो होती है बनावट है, तो बाहरी बनावट देखते हो काफी कठोर होता है, तो काफी कठोर होते हैं लेकिन जब उसको तोड़ देते हो तो अंदर में जो होते हैं मांस होता है काफी कोमल होता है। इसी तरह से समुद्र में पाए जाने वाला सीप है, सीपिया का नाम सुना है और ऑक्टोपस का नाम सुने हो, तो ये सब जितने भी जंतु आते हैं जिनकी शरीर की बाहरी भाग यानी कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम युक्त पदार्थ की बनी होती है जो काफी हार्ड होता है। देखा हुआ सभी लड़का शंख देखे आप लोग, तो पंडित जी का जो शंख देखा है वह शंख देखते हो कितना हार्ड होता है, लगता है कि एकदम पत्थर का बना हुआ है कि नहीं। तो वो समझो जिसके शरीर की बाहरी भाग काफी कठोर है तो वो समझो कि मोलस्का में आता है। जैसे कि आप लोग नदियों में भी देखा सितुआ देखा हो तो सितुआ भी दिखता है कठोर देता है, ऐसे लगता है कोई पत्थर जैसा बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वही होती है। अब समझिएगा कि देखे हमने सभी लड़के उनके शरीर के अंदरूनी पार्ट्स के बारे में हम चले, तो अंदरूनी पार्ट के बारे में चलोगे तो तुम देखोगे कि देखे उसके शरीर में देह देह का मतलब शरीर और गुहा का मतलब खाली जगह। तो घोंघा देखा होगा कभी कभी आप लोग खेतों की तरफ गए होंगे तो किसान घर के बच्चे देखते हैं घोंघा, जब गर्मी के दिन आया तो देखता है उसके शरीर के अंदर वाले मांस जब नष्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर खोखला ज्यादा होता है। तो समझिए इसलिए कहा जाता है कि मोलस्का में चाहे वो सीप हो, शंख भी देखा है पंडित जी का, उसके अंदर भी देखता है खाली जगह होता है। तो कहे कि देह गुहा रक्त गुहा माने रक्त के लिए भी उसमें जगह है खाली जगह है और हृदयावरणी मतलब ये मोलस्का में जो भी जंतु आते हैं उसमें हृदय पाया जाता है और हृदय के चारों तरफ से झिल्ली होती है जिसको कहते हैं हृदयावरणी कहते हैं। तो ये सब इनकी शारीरिक विशेषता है कि इसके शरीर के अंदर में वास्तविक देह हुआ है। इसके पहले तो लोग बहुत सारे जंतु के बारे में बताए,
देवता हम लोग से हट करके होता है, उसमें जिस अंग से शोषण होता है उसी को टीन इंडिया कहते हैं। ऑब्जेक्टिव है याद रखिए, सब लड़के टीन इंडिया बोलते हैं, एसी को हम गिल्स कहते हैं, या देखिए मेंटल फेफड़ा बोलते हैं। तो यही श्वसन अंग है जिसकी सहायता से वो श्वास लेने का काम करता है। बात रहा देखिए उत्सर्जन के एक्सक्रिएशन की बात हो रही थी कि ए मोलस्का के अंदर जो शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ तैयार होता है वो हानिकारक पदार्थ जैसे मल मूत्र सब होते हो ना, तो ये सब निकलने के लिए इसके शरीर में एक जोड़ा अंग होता है उसको याद रखिए जिसके टाइप का क्वेश्चन है, जिसको मेटानेफ्रिडिया कहते हैं, जिसको हम लोग किडनी कहते हो। तो किडनी हम लोग अपने आप में कहते हैं और ए मोलस्का हम उसी को मेटानेफ्रिडिया बोलते हैं। तो मेटानेफ्रिडिया ये जो वर्ड है इसको दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे टिनिडिया बोले हैं टिनिडिया को रखिएगा, या कि उत्सर्जन अंग का नाम श्वसन अंग का नाम, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा सुनने के लिए या भरने के लिए। इस तरह से देखिएगा, कभी कभी आप लोग देखिए हमने बरसात के दिनों में सर विद्यार्थी घोंगा देखा होगा, तो पानी में घोंगा को चलते हुए देखे हो, देखा है तो उसमें दिखता हो कि जब पानी में जब चलते हैं तो वो घोंगा क्या करता है कि अपने मुंह से देखिए मूंछ जैसा दोनों तरफ जो होता है एक मांसल माने गद्दार देखिए वो पकड़ करके मांसल अंग निकलता है, यानी अग्र भाग उसी को बोल रहे हैं अग्र भाग। तो उसका देखिए जो आगे वाला जो निकलते हैं दो भाग निकलते हैं जो पानी में रहता है हिलाते रहता है वही होता पेशी होता है, पेशी पाद कहते हैं, मैं वही पैर का काम करता है पाद में पैर और उसी की सहायता से देता है और पानी में आगे आगे बढ़ता है। याद करेंगे सभी लड़के मोलस्का के बारे में कि मोलस्का भर के जो भी जंतु होते हैं वह जंतु होता है एकलिंगी, मतलब उसमें लंग लिंग होते हैं अलग होते हैं, या तो नर होता है या तो मादा होता है, मतलब एकलिंगी होते हैं। और साथ ही साथ याद कीजिएगा कि उसमें लैंगिक जनन होता है, ये जो देखता है सीप सिपिया घोंगा ऐसा कर रहे हो ये सब में लैंगिक जनन होते हैं, यानी वो भी देखता है अंडे देते हैं। कभी कभी बरसात के दिनों में जाते होंगे अपने खेतों पर घूमने के लिए तो घोंगा भी देखते हैं वहां पे अंडे भी तैयार करता है, निक्षेपण करता है। यहाँ पर देखिए आप बात रही कभी कभी देखिए घोंगा को टच करके देखिएगा, इसमें ज्ञान इंद्रियों में इसके पास भी ज्ञान इंद्रियां हैं, आप उसको देखिए पुरना लेकर के टच कीजिएगा, जैसे ही टच करोगे स्पर्श करोगे वो अपना देखता है अगर पाद जो है उससे पुरा लेगा मुंह बंद कर लेगा। घोंगा का मुंह देखिए पट से बंद हो जाती है, अरे घोंगा हमेशा मुंह नहीं खोलते हैं, इसलिए कभी कभी देखता है हमारे समाज में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जो महिलाएं नहीं बोलती है और अचानक बोलना शुरू करती है तो लोग बोलते हैं कि घोंगा का मुंह खुल गया। एक मुहावरा का मतलब क्या हुआ कि घोंगा का मुंह हमेशा नहीं खुलते हैं कभी कभी खुलते हैं, वही देखिए ज्ञान हमें सुनने की क्षमता संतुलन बनाने की क्षमता होती है। तो ये सब अंग होते हैं ये समझिए मोलस्का में सब विकसित होता है, समझ लो। अब देखा जाए दूसरा जंतु का वर्ग का नाम है ऑस्टिगिंथिस कहते हैं, ऑस्टिगिंथिस जिसके अंतर्गत सभी मच्छलियों को लाते हैं। तो दुनिया में जितनी सारी मछलियां छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो चाहे वह नदी में होता हो तालाब में होता है समुद्र में होता है, जिसको लवण जलीय कहते हैं अलवण जलीय कहते हैं, लवण जलीय का मतलब कि मतलब जिस जल में लवण हो नमक हो तो वह समुद्री जल है। तो बहुत सारी मछलियां जो होता है समुद्र में पाई जाती है और बहुत सारी मछलियां जो होती है नदियों तालाब में झरना में पाई जाती है। तो कितना सारा देखते हो मत्स्य है मछलियां है वो सब को ऑस्टिगिंथिस मिलाते हैं, ये याद करिए ग्रुप का नाम होता है ऑस्टिगिंथिस। अब यह देखा जाए तो इसके बारे में जानते हैं सारे लड़के मछलियों के बारे में हम लोग कि मछली में देखिए जाल प्रसार का लिए है जो एक बताइए उस साल नौ समुद्री मछली है बॉम्बे डक है पॉम्फ्रेट है ये सब मछलियां हैं और मछलियों के शरीर की आकार उसकी और बनावट भी सभी बच्चे देखते हैं। मछलियों की विशेषता सबसे पहले देखिए मछलियों के शरीर की जो आकार होती है वह नौकाकार होता है वह धारा रेखीय होती है ताकि जल को चीर करके माने कम से कम बाधा का सामना कर सके और वो आसानी से पानी में चीर करके उसमें पार कर सके तैर सके। उसमें देखिए श्वास लेने के लिए देखिए सभी लड़के कि मछलियों
बाइंग पोस्ट होता है, मतलब थैली होती है और थैली में क्या होते हैं आवश्यकता अनुसार वह पानी से हवा को खींच करके वह देखते हो फुला लेता है। उसके बाद शरीर जैसे उसकी हल्का होती है वह नीचे से ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर से नीचे जाना है, इसी तरह से वह हवा को निकालता है और फिर नीचे चलाता है, मतलब जहां पाता है वहां रुक जाती है। इसके पीछे मेन कारण है उसके अंदर में वायु कोष और वायु भर करके और उसके बाद वो मछली पानी के अंदर में आसानी से संतुलन बनाता है। इसके अलावा देखा होगा कि मछलियों के जो पूंछ होता है वह पूंछ में भी पंख होता है, तो बतिया ये याद कीजिएगा, कभी कभी आप देखते हो मछलियों को पानी में तैरते हुए तो उसकी जो पूंछ होते हैं पूंछ में जो पंख होता है उसको कहते हैं दिक नियंत्रक होते हैं, मतलब दिशा निर्देशक। जैसे कि देखता है कोई नाव में जहाज में कि बताओ दिशा को निर्देश मतलब घुमाने के लिए मैं बताओ जैसे साइकिल घुमाते हो गाड़ी घुमाते हो हैंडल होती है स्टीयरिंग होता है, उसी तरह से मछलियों में जैसे सीधे तैरते हुए जाते हैं फिरते जा रहा है और जैसे मोड़ने की बात होती है वो अपना पूंछ देखकर पानी में हिलाता है, तो जैसे पूंछ को हिलाया वो समझो को डायरेक्शन चेंज करेगा दिशा को बदलेगा, अगर जा रहा है मान लिया पश्चिम तरफ जा रहा है अब डायरेक्शन चेंज करना है तो देखिए पूंछ का इशारा लेता है। इसके अलावा भी क्या देखिए उसके जहां पर गलफरा होते हैं वह गलफरा के पास में पंख होता है, सभी लड़का देखा होगा, तब वो जो पंख होता है वह पंख का काम होता है वह पतवार का। जैसे नाव पर आप लोग चढ़े होंगे तो जब नाव पर चढ़ते होंगे तो नाव चलाने वाला जो नाविक होता है उसके हाथ में देखते हैं लंबी सी डंडा होती है, डंडा के नीचे में देखता है सूप जैसा होता है, पानी को खींचता है पीछे की तरफ तो न्यूटन की गति के तीसरा नियम के अनुसार देखता है वह नाव भागता है आगे की तरफ। उसी तरह से ये मछलियों की जो गलफरा होते हैं उनके पास जो पंख होते हैं वह पंख देखे जब मछली जब तैरेगी तो वह बगल से पानी को खींचती है, वह खींचने का मतलब है कि वह आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो वो पानी में मछलियां कैसे रह जाती है इसके बारे में समझना चाहिए सब विद्यार्थी को कि पानी में रहने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारा चीज विकसित होता है उसी के अनुकूलित उसके शारीरिक क्रियाएं भी होती है। और किस तरह से देखते हो और किन-किन में ये समझे जल में रहने की बात तो हुआ ही, इसके अलावा इसमें श्वसन तंत्र विकसित है उत्सर्जन तंत्र विकसित है। ये देखिए मछलियां जो की ये भी एक लिंगी होते हैं। अब यहाँ मछलियों में दिखता है जो निषेचन की बात होती है अंडाणु और शुक्राणु के मिलन की बात करते हो तो मादा शरीर के अंदर में होती है, तो इसको कह सकते हो कि अंतर निषेचन होती है। इसके बाद ये सभी अंडे होते हैं बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो इस तरह से कि औषधि चीज के बारे में वर्णन अगर करने के लिए कोई आदमी करता है तो आप एक तरह से मछलियों को दिमाग में ले लीजिए उसके बारे में जो जो चीज आप बाहरी बनावट देख रहे हैं अंदरूनी बनावट है इसका वर्णन करने को होता है। कहेगा कि औषधि चीज का यानी विशेषता बताइए, तो विशेषता में ये सारी बातों को वर्णन करेंगे जैसा कि असाइनमेंट में हम लिख दे चुके भी है, सुबह भी बताए हैं कि आप लोगों को असाइनमेंट भेजते हैं, शाम में आप लोगों को रिकॉर्डिंग और कभी कभी आप लोगों को ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसी तरह से तीसरा वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया का शाब्दिक अर्थ होता है जल स्थल, मतलब वैसा जीव जंतु जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है दोनों जगह निवास करते हैं उसी को एम्फीबिया कहते हैं या उसी को उभयचर कहा जाता है। अब उभयचर प्राणी में देखिए मेंढक आपको देखा होगा, रात के समय भी गलियों में मेंढक को निकलते देखा होगा नहीं, तो वो आप उसको टोट कहते हैं, हायला होता है, कुछ पेड़ पर भी देखते हैं मेंढक रहते हैं, धादुर होता है, तो ये सब जितना भी होते हैं ये जानवर जो होता है ये सभी एम्फीबिया का होता है। तो एम्फीबिया के बारे में यह शॉर्ट में बताया भी इसी तरह ये होता है, का मतलब होता है कि इसके शरीर का तापमान घटते बढ़ते रहता है, जैसे जाड़ा का दिन आ गया घट गया गर्मी का दिन आया बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में इसको जीना मुश्किल रहता है, तब इस जीने के लिए वह जीव जंतु जो देख रहा है सभी एक कुछ दिनों के लिए सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। जैसे कि देखता है बरसात के दिन में मेंढक दिखाई पड़ता है
पानी सूखने लगते हैं, वह समय मेंढक धीरे 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 मिट्टी की तरफ भागने लगता है और जाड़ा में रहता है, भर गर्मी रहता है, वह मिट्टी के अंदर ही छिपा हुआ रहता है। शीत निष्क्रिय कहिए या कभी कभी ग्रीष्म निष्क्रिय कह सकते हो, इस तरह से जमीन के अंदर दबाव रहता है। फिर नेक्स्ट ईयर होता है जब अगले साल जब बारिश होने लगता है तो बारिश संकेत देखिए वह धीरे धीरे बाहर आने लगता है। मेंढक को आपने पकड़ के भी देखा होगा, मछली जैसी, मछली के शरीर पर तो चोंटा या सल्प होता है, देखा हो सल्प, लेकिन मेंढक के शरीर जो होते हैं उस पर सल्प नहीं होता है, चोंटा नहीं होता है, वह चिकना होता है, असल्पी कहते हैं, लेकिन उनकी त्वचा पे ग्रंथियां होती है जिसके कारण शरीर चिकना होती है उसकी। इसमें श्वसन की बात यहाँ तक रही तो श्वसन के अंग इसमें सब अलग अलग होता है। कोई होता है जैसे मेंढक अगर भींगा हुआ त्वचा है तो भींगी हुई त्वचा से छील से श्वसन क्रिया हो जाती है, संवहन विधि जिसको कहते हो, सॉरी विसरण विधि कहते हैं। इसी तरह से क्रोध होता है, मैं सूखा हुआ शरीर इसका होता है, रात में गर्मी में घूमते नहीं पड़ता होगा, तो एक क्रोध होता है जो अक्सर रात में ही निकलता है, भोजन ये सूर्य के प्रकाश में नहीं निकलते हैं, सूर्य के प्रकाश में छिल जाता है। तो मेंढक और कोड ये दोनों दो चीज होते हैं जिसके बारे में डिफरेंट हम अगले दिन बताएंगे। आज की क्लास को एक बार